अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली ज़रीब चिश्ती बाबा के कातिलों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तीन मुजरिम जो ऑलरेडी पहले से गिरफ़्तार थे नासिक जेल में, और एक जो मेन जो कातिल था उसकी लगातार पुलिस जो है तहकीकात कर रही थी उसके बारे में, और फाइनली वो भी पकड़ा गया है अहमदनगर के राहौरी ज़िले में। अहमदनगर ज़िले में राहौरी तालुका है, वहाँ से इस कातिल को गिरफ़्तार कर लिया गया है फाइनली। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि भाई ज़रीफ चिश्ती बाबा का कत्ल क्यों हुआ। तो जैसे आप सभी को पता है कि ज़रीफ चिश्ती बाबा बहुत कम वक्त में मशहूर हो गए थे। ये 4 साल में काफ़ी शोहरत उन्होंने हासिल कर ली थी। हिंदुस्तान के कई कई शहर कई ज़िले में उनके प्रोग्राम्स वगैरह भी हो रहे थे, हर जगह उनके दौरे चालू थे, दौरे वो कर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी पैसा भी बना लिया था, प्रॉपर्टी भी बना ली थी। और जैसे कि वो अफ़गानी थे तो हिंदुस्तान में वो अपने नाम पर ज़मीन जायदाद नहीं खरीद सकते थे, ये बड़ी वजह थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो ख़ास कुछ लोग थे साथ में, जो उठने बैठने वाले मुरीद जिसे आम जबान में कहा जाएगा, कि उन लोगों के नाम पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है जायदाद उनके नाम कर रखी थी। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ज़रीफ चिश्ती बाबा अपने साथ एक लेडीज़ को भी लाए थे जो कि उनकी वाइफ बताई जा रही है, और उसी वाइफ से उनको एक औलाद होने वाली थी। और ज़रीफ चिश्ती का आगे का प्लान ये था कि वो उसके नाम पे ही सारी जायदाद कानूनी तौर से हो सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। जो साथ में उनके रहने वाले थे वो घबरा चुके थे कि हम जो है हमारे हाथों से जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी निकल जाएगी, करोड़ों की जायदाद निकल जाएगी, हम फिर से सड़क पर आ जाएंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, मास्टर प्लान बनाया। और जैसे कि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में ज़रीफ चिश्ती साहब का जो है नासिक ज़िले में उनका कत्ल हुआ। अब बात रही, एक वीडियो मेरा काफ़ी वायरल हुआ जिस पे लोगों ने बैट्स कमेंट किए थे कि ज़रीफ चिश्ती बाबा ऐसा है वैसे है, अच्छा हुआ वो मारे गए। ये बहुत ही मतलब कमेंट आप पढ़ेंगे तो, जो कि अच्छे कमेंट नहीं थे। तो मेरा उनसे यही कहना है, भाई हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि मरने वालों की बुराई नहीं की जाती है, मरने के बाद अल्लाह बेहतर जाने कि उसके साथ क्या होने वाला है। हम कौन होते हैं सही गलत का फ़ैसला करने वाले, हम क्यों गुनाहों में पड़े। भाई आप लोग बैट्स कमेंट कर रहे हैं, ये तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है इनके उनके साथ क्या होने वाला है। जो बैट्स कमेंट कर रहे हैं उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, और जो खुशियां मना रहे हैं कि अच्छा हुआ, अफसोस की बात नहीं है, बहुत अच्छा हुआ कि ज़रीफ चिश्ती बाबा जो है मर गए, तो उनसे मेरा ये कहना है कि भाई आप लोग जो है, आप लोग कौन से दूध के दूल्हे हैं। बस यही मेरा कहना है कि आप लोग गलत सलत कमेंट ना करें। उनका जो भी मामला था वो अपना ज़िक्र करवा रहे थे, या 150 साल जीने का वजीफ़ा बता रहे थे, और लोगों को जो है गुमराह कर रहे थे। तो उनके मरने के बाद भाई वो अल्लाह ताला फ़ैसला करने वाले हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है एक बार फिर से कि आप लोग कुछ कमेंट्स करके उनके बारे में बोल के आप लोग गुनाहों में ना पड़े। बस यही आपको छोटी सी बात बतानी थी कि फ़ाइनली उनके कातिलों को पकड़ा जा चुका है, और आप लोग कोई गलत गलत कमेंट्स ना करें। शुक्रिया।